दोस्तों सभी ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी कम समय में बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाए। वो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि केवल 6 एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनको अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत तेजी से ग्रो होती है। और वो जो आप लोगों ने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स की बहुत बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा चौड़ा, बहुत ज्यादा ब्रॉड बना लेते हैं, तो वो ज्यादातर इन 6 एक्सरसाइजेस पे फोकस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 6 एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जिन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मस्कुलर बना सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस को बोला जाता है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। होता क्या है, जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं ये हमारी एक साथ में बहुत सारी मसल्स को एक साथ में ट्रेन करती हैं, जिस वजह से हमारी जो ओवरऑल जो हमारा फ्रेम होता है, जो हमारी मसल्स होती है, वो बहुत तेजी से ग्रो होती है और वो काफी ज्यादा बड़ी मसल्स बनाती है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते, सीधे एक्सरसाइजेस पे आते हैं। जो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है इस लिस्ट में वो है डेड लिफ्ट। अब देखिए, डेड लिफ्ट को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डेड लिफ्ट में हम जितना भारी से भारी हो सके उतना भारी से भारी वजन उठाते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी बॉडी की बहुत सारी मसल्स एक साथ में ट्रेन होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की, जो कि है स्क्वैट्स। अब देखिए, स्क्वैट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लेग्स को बहुत ही तेजी से ट्रेन करती है और बहुत ही ज्यादा कारगर एक्सरसाइज है। और स्क्वैट्स को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें भी आप जितना वजन उठा सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहो, अगर आप बिगनर हो, तो आप बिना वेट के भी इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। देखो, स्क्वैट्स करने से मैंने बताया कि आपके लेग्स ट्रेन होते हैं, और अगर आप अपनी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हो तो लेग्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, क्योंकि लेग्स को ट्रेन करने से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज को, जो कि है हमारी ओवरहेड प्रेस, या फिर मिलिट्री प्रेस भी कर सकते हो आप लोग। देखिए, इसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसको करने से हमारी शोल्डर और हमारी जो अपर चेस्ट होती है, अगर हम हल्का सा एंगल में इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारी अपर चेस्ट भी ट्रेन होती है। तो ये एक्सरसाइज करने से आप अपनी शोल्डर मसल्स को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज में, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी बॉडी चौड़ी होती है, मतलब ये आपकी बैक मसल्स को ट्रेन करती है। इसको हम बोलते हैं बारबेल रो। इसमें हम अपने हाथों में बारबेल को पकड़ते हैं और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये हमारी बैक मसल्स को ट्रेन करती है। और अगर आप अपनी बॉडी को चौड़ा दिखाना चाहते हो तो आपको अपनी बैक मसल्स को सही से ट्रेन करना होता है। तो अगर आप बारबेल रो परफॉर्म करते हो तो आपकी ओवरऑल की जो बैक मसल्स होती हैं वो काफी तेजी से ट्रेन होने लगती हैं। इस एक्सरसाइज को आप लोग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी चेस्ट मसल्स को काफी तेजी से ग्रो करती है। और लगभग सभी लोग जो जिम जाते हैं वो इस एक्सरसाइज को तो जरूर परफॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेंच प्रेस। इसमें हम बारबेल को अपने हाथों में कुछ इस तरीके से पकड़ के और एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमारी चेस्ट मसल्स के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज में आप एक बात का ध्यान रखें कि आप ज्यादा रिपीटेशन के ऊपर ना जाएं, आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वेट उठाएं। मतलब आप 6-8 रिपीटेशन करेंगे तब भी आपके लिए कारगर होगी, लेकिन वेट आप जितना ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे तभी आपको ये सही से फायदा करेगी आपकी चेस्ट को ग्रो होने में। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज की, जो कि ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं पुलअप्स। ये भी हमारा एक कंपाउंड मूवमेंट है। देखो, पुलअप्स को करने से मैंने पहले ही बताया है कि आपके शोल्डर्स, आपके बाइसेप, आपकी बैक मसल्स, ये सभी एक साथ में ट्रेन होती हैं। इसी में जैसे हम पुलअप्स करते हैं उसी तरह हम चिनअप्स भी करते हैं। तो ये दोनों अगर आप मिला के इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपने घर पे परफॉर्म करते हो तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी वी टेपर बनती है और आपकी जो बैक मसल्स है वो भी काफी तेजी से ट्रेन होती है। साथ में मैंने बताया कि बाइसेप भी हमारे थोड़े मोड़े इस पे ट्रेन होते हैं। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है ये आप सभी को पता है। पुलअप्स और चिनअप्स आप लोग कर सकते हो घर में और अपनी बैक मसल्स को, अपनी बॉडी को चौड़ा और वी टेपर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी कंपाउंड एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, आप अपनी फुल बॉडी वर्कआउट में इन एक्सरसाइजेस को करके और अपनी फुल बॉडी को बहुत ही कम समय में ट्रेन कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।